बाड़मेर लोकसभा सीट पर कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह से था। वहीं उदयपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन लाल मीणा ने अपनी सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, जिसके बाद वो काफी उत्साहित दिखे और अपने समर्थकों के साथ झूमते नाचते दिखाई दिए। भीलवाड़ा से जश्न की जोरदार तस्वीरें सामने आई। बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। इसके साथ ही कोटा में बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला की जीत के साथ शानदार तरीके से जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों और बीजेपी के झंडे के साथ सैकड़ों की तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार को कंधे पर बिठाकर विजय जुलूस निकाला। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को छोटे शहरों और कस्बाई छोटे शहरों में एक बार फिर बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन 2014 के मुकाबले इस बार एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान जरूर हुआ। छोटे शहरों की 146 लोकसभा सीटों में एनडीए 82 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा, जबकि 2014 में एनडीए ने छोटे शहरों की 98 सीटें जीती थी। यानी इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को 16 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए ने छोटे शहरी इलाकों की 38 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 में यूपीए को सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई थी। इस तरह यूपीए को इस बार छोटे शहरों में 19 सीटों का फायदा हुआ। अन्य दलों की बात करें तो छोटे शहरों में उनको 26 सीटें हासिल हुई, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 30 सीटें अन्य दलों के खाते में गई थी। हालांकि अंतिम नतीजों के बाद सीटों के इन आंकड़ों में कुछ फेरबदल हो सकता है। उत्तराखंड में भी मोदी मैजिक चला और बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, जिसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने रमेश पोखरियाल को माला पहनाकर उन्हें जीत की बधाई दी, जबकि वहां पहुंची कुछ महिलाएं डांस करती दिखाई दी। रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से जनता ने उन्हें लगातार दूसरी बार जिताया। भी हर बार की जनता ने 2.5 लाख मतों से भी अधिक से जिता करके साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर उनको भरोसा है। वहीं राज्य की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय टमटा लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जीत के बाद अजय टमटा को बधाई देने के लिए पहुंचे कुछ कार्यकर्ता डांस करते दिखाई दिए। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत को हराने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने विजय जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जबकि टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।